जानोगे विद्यालय में शिक्षक नदारद, छात्र कर रहे हैं गुरुजी का इंतजार। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लाख कोशिश करे लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षक सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। ताजा मामला जनपद जालौन के कोच विकास खंड के प्राथमिक विद्यालय चंदौवा बुजुर्ग का है। इस विद्यालय में तैनात अध्यापिकाओं ने सारी हदों को पार करते हुए महीनों से विद्यालय से शिक्षक नदारत रहते हैं। इस विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकार में है, क्योंकि जिन शिक्षकों के भरोसे विद्यालय में कुछ सीखने आते हैं लेकिन पढ़ाने वाले शिक्षक ही विद्यालय से नदारत रहते हैं। आज इस विद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था जानने के लिए मीडिया कर्मी पहुंचे तो वहां तैनात रसोइयों ने बताया, विद्यालय सुबह हम प्रतिदिन खोलते हैं और छात्र भी अपना बैग एवं किताबें लेकर आते हैं, लेकिन इस विद्यालय में तैनात शिक्षक छात्रों को पढ़ाने नहीं आते हैं और अध्यापक उच्च अधिकारियों से फील गुड करके महीनों नहीं आते हैं। जब इस मामले पर कोच विकास खंड के खंड शिक्षा अधिकारी अजीत यादव से बात की गई तो उन्होंने मीडिया के द्वारा यह मामला संज्ञान में आया है, मैं स्वयं इसकी जांच कर कठोरतम कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। जो ऐसे लापरवाह शिक्षकों के नजीर बने, क्योंकि शिक्षकों का काम विद्यालय में समय से पहुंचकर शिक्षण कार्य सुनिश्चित करना है। अगर कोई भी शिक्षक शिक्षण कार्य नहीं करते हैं तो बड़ी गंभीर समस्या है। हमारे नौनिहालों का भविष्य किसी भी सूरत में नहीं बिगड़ने दिया जाएगा। टीवी 100 के लिए जालौन से पंकज कुमार पटेल की रिपोर्ट। सर, आपसे जानना चाह रहे हैं कि आपके कौन क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था धड़ाम सी हो गई है, विद्यालय समय पर नहीं खुलते हैं, कई विद्यालय ऐसे हैं जो महीनों से नहीं खुल रहे हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना और ऐसे लोगों पर आप क्या कार्रवाई करेंगे? वैसे भी मैं निरीक्षण में रहता हूँ, मेरे संज्ञान में ऐसा नहीं है, अगर आप लोगों के संज्ञान में आया हो तो उसके बारे में हमें जानकारी दें, हम तुम आज हुए देखेंगे जाँच करके हुए, अगर ऐसा है तो कार्रवाई की जाएगी। आपको बताते चलें, ग्राम चमरुआ में प्राथमिक विद्यालय है जो कई समय काफ़ी समय से वो नहीं खुल रहा है और वहाँ बच्चे आते हैं और बिना शिक्षा लिए बैरंग लौट जाते हैं। वहाँ के रसोइयों और बच्चों ने भी आरोप लगाया कि यहाँ हमारे अध्यापक कभी नहीं आते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आपसे ऐसी बात हुई है तो उसके बारे में भी देखेंगे और जाँच करेंगे, अगर ऐसा है तो कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी। सर, आपसे जानना चाह रहे हैं, आपने जब से यहाँ पर पदभार संभाला है आज तक कितने लोगों पर कार्रवाई की और क्या क्या कार्रवाई और वो लोग किस विद्यालय से संबंधित थे? देखिए, समय समय पर जो है निरीक्षण में जो है निर्देश भी दिए गए हैं और मेरे संज्ञान में ऐसा नहीं है कि मैंने जो है उनमें कार्रवाइयाँ न हुई हों, कार्रवाइयाँ भी हुई और सुधार भी हुआ। आपसे जानना चाह रहे हैं कि आपने किन लोगों पर कार्रवाई की और किस संदर्भ में कार्रवाई की है और क्या कार्रवाई हुई है? लगातार अनुपस्थित के मामले में जो है एक दूसरे विद्यालय वहाँ पर नहीं है टीचर। सर, क्या नाम है उनका? जिनका वेतन जो है रुका हुआ है। क्या नाम है सर उनका? कब से सर ये कब जांच हुई इसमें? जब हम आए थे तभी। अच्छा सर, आपसे कितने दिनों से अनुपस्थित चल रही थी? लगातार अनुपस्थित ही। अच्छा सर, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि इस चमरुआ वाले विद्यालय में आपकी क्या कार्रवाई होगी और ठोस क्या कदम उठाए जाएंगे? ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। आज आपने संज्ञान में हमारे दिया है, इसके पहले किसी ने हमें शिकायत भी नहीं किया, अब आपने बताया है। जालौन से पंकज पटेल के साथ नील कमल की रिपोर्ट।